वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका वर्नन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अभी हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सीएसआईआर 2019 जून में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करके। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपसे अभी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगी वो है, इन सर्टन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डाइसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक एंथर डाइसेंस, मतलब जब एंथर मेच्योर हो जाता है और वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने लग जाता है वो वाला टाइम, और एक जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मतलब जब स्टिग्मा इतना कैपेबल हो जाता है, हमें पता है ना वो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी जो होता है, स्टिग्मा पार्ट होता है, जब वो रिसीव करने वाला हो जाता है पॉलन ग्रेन को लिए, मतलब मैच्योर हो जाता है, उन दोनों का जो टाइम है वो मतलब उनका कोइंसिडेंस नहीं होता, लाइक टाइम जो सेम टाइमिंग पे दोनों की मैच्योरेशन नहीं हो रही, और ये जो मैच्योरेशन क्या है अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस होता किस लिए, ये होता है अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, मतलब इस प्रोसेस के लिए कौन से टर्म्स ना इजाद की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के टर्म होते हैं, इसमें क्या होता है, जो एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं वो क्या होता है, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसका मतलब जो एंथर है और उसका जो है ना स्टिग्मा है, उनकी मैच्योरेशन क्या हो रही है अलग अलग टाइम पे। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया एंथर डाइसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये दोनों का टाइम क्या है, मैच नहीं कर रहा। तो डाइकोगैमी टर्म में क्या होता है, उसी टर्म में होता है जबकि एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योरेशन का टाइम क्या है, मैच नहीं करता। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, दैट इज अ हर्कोगैमी। इसमें क्या होता है, इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, ऑलरेडी कुछ ना मैकेनिकल बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंपेटिबिलिटी बिटवीन द पॉलन क्या है, एंथर के लिए है, ठीक है, मेल पार्ट है, एंड स्टिग्मा, और उन दोनों की जो कंपेटिबिलिटी है वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, कंपेटिबिलिटी नहीं होती, और आपस में कंपेटिबिलिटी ना होने की वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। देखिए डाइकोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता, हर्कोगैमी भी पॉलिनेशन को प्रमोट, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, बट द स्टेटमेंट इज दैट हमें ये बताना है कि इनके मैच्योरेशन के टाइम से रिलेटेड बतानी है। तो मैच्योरेशन से रिलेटेड कौन से टर्म होगी हमारी, डाइकोगैमी, बट हम इसके अलावा और भी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। अब आपके इससे समझ ही पा रहे हो, हेट्रोस्टाइली मीन्स डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स, ठीक है, अकरेंस ऑफ टू थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विद इन द सेम प्लांट एंड सच फ्लावर हैव द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमेंस। देखिए इसमें क्या होता है, हेट्रो मीन्स मोर देन वन, ओके, यहाँ पे टू थ्री टाइप्स के फ्लावर होते हैं, और इन फ्लावर्स में क्या होता है, जो स्टाइल एंड स्टेमेंस है उनकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, और अगर इनकी लेंथ भी डिफरेंट होगी तो कई बार क्या होता है, मान लो अगर स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा है, स्टेमन लेंथ में छोटा है ना, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, तो स्टिग्मा भी ऊपर हो गया, स्टेमन जिसने की है ना ये एंथर कंटेनिंग था और उसको है ना पॉलन रिलीज करने थे, तो वो क्या होंगे, स्टिग्मा पे नहीं जा पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही काइंड का जो रिप्रोडक्टिव वॉल है, रिप्रोडक्टिव वॉल का मतलब यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो एंथर होंगे या फिर स्टिग्मा होगा फ्लावर में, ठीक है, वो होता है हमारा डाइक्लाइनी। तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मोनोशियस प्लांट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, पिस्टल एंड स्टेमन्स। देखिए पिस्टल एंड स्टेमन्स की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये क्या है मेल और पिस्टल्स क्या है फीमेल, ये क्या होता है सेपरेट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, और प्लांट सेम है बट वहां पे क्या है फ्लावर क्या है सेपरेट है, तो ये भी क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं डायोशियस टर्म पे, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकर ऑन द सेपरेट प्लांट। यहाँ पे क्या है, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग प्लांट्स पे होगा, मतलब एक प्लांट पे एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटेनिंग वाले है ना फ्लावर्स होंगे, लाइक या तो एक प्लांट पे सिर्फ मेल होंगे या एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे डाइकोगैमी, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स। हमें इन्होंने चार डिजीज दी थी, उसमें से हमें बताना है कौन सी वाली डिजीज है वो फंगस की वजह से होती है। यहाँ पे इन्होंने बात की थी कुकम्बर मोजैक, एप्पल स्कैप, क्राउन गॉल एंड फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ पियर, ओके, हम एक एक करके इनकी डिजीज को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सिम्टम्स को नहीं डिस्कस करूंगी, ना ही इनको मतलब लाइक कैसे ट्रीटमेंट है, क्या है इफेक्ट है इसका प्लांट की ग्रोथ पे, बस मैं बिकॉज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सीएसआईआर के, और बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल एंड कौन सी फंगल डिजीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली डिजीज, वो है हमारी कुकम्बर मोज़ेक वायरस। ऑब्वियसली ये कुकम्बर मोज़ेक ये क्या है, वायरस, मैंने बता दिया पहले ही,
तो ये क्या है, वायरल वायरल डिजीज है. इट इज अ प्लांट पैथोजेनिक एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली ब्रोमोविरिडी एंड जीनस कुकुमो वायरस. तो ये क्या है, हमारी वायरल डिजीज. तो हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं हुआ, कुकुम्बर वायरस मोजैक क्या हुई, हमारी वायरल डिजीज. नेक्स्ट हम आते हैं एप्पल स्कैब. ये क्या होती है, ये डिजीज ऑफ मेलस ट्री, मेलस मतलब एप्पल ट्री की डिजीज है. और ये कॉज होती है कॉज्ड बाय द एस्कोमाइसिट्स फंगस वेंचुरिया इनइक्वालिस. इट मींस एप्पल स्कैब क्या हुई, हमारी फंगल डिजीज हुई. और ये क्या होता है, जो लीव्स होते हैं ना उनके जो सरफेस होता है उस पर डल ब्लैक और ग्रे ब्राउन लेजेंस ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, एप्पल स्कैब क्या है, हमारी फंगल डिजीज है और किसके थ्रू होते हैं, होते हैं वेंचुरिया इनइक्वालिस. नेक्स्ट हम आते हैं फायर ब्लाइट ऑफ पियर. ये हमारी क्या है, ये भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज है और ये किसके थ्रू होती है, ये कॉज होती है ये जो डिजीज है ये कॉज होती है कॉज्ड बाय द अर्वेनिया अमाइलोवोरा. ये क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो फायर ब्लाइट ऑफ पियर भी क्या हुई, हमारी बैक्टीरियल डिजीज. ओके, एक हमारी आ चुकी है अभी वायरल डिजीज कुकुम्बर मोजाइक, एप्पल स्कैब हमारी क्या थी फंगल डिजीज, और फायर ब्लाइट हमारी क्या थी बैक्टीरियल डिजीज. नेक्स्ट हम चौथे डिजीज की बात करेंगे, दैट इज अ क्राउन गॉल. आई नो ये जो डिजीज है क्राउन गॉल, ये आपको सबको पता ही होगा, ये हमें पता है टाई प्लाज्मिड के थ्रू होती है बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ये है क्या है, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम. देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पे मेरे को टाई प्लाज्मिड नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, क्योंकि हम सब जगह पे ऐसे ही बात कर रहे हैं. मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम याद रख सके जी. इसमें एग्रो बैक्टीरियम में क्या होता है, टू टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, टाई प्लाज्मिड एंड द राई प्लाज्मिड. ठीक है, ये जो टाई प्लाज्मिड है ये क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज, ये मतलब कैंसरस टाइप ऑफ डिजीज होता है. ठीक है, तो ये थी हमारी ये जो दो टू, अभी मैंने आपसे अभी आज के लेक्चर में सिर्फ टू ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिससे कि आपको, बिकॉज आई नो कि आप लोग अभी कल ही एग्जाम देके आए हैं सीएसआईआर का, तो शायद हो सकता है आपका पढ़ने का मन ना हो, डिस्कस करने का मन ना हो, इसलिए अभी मैंने टू ही क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिससे कि आप दोबारा अपनी, अगर इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आपकी दोबारा रिदम बन सके. वैसे भी अभी सीएसआईआर के बाद अभी आईसीएमआर का एग्जाम भी बचा हुआ है, तो उसके लिए भी आपकी रिविजन हो सके. और आई होप आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस है वो समझ आ गए हो. इसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस जल्दी ही लेके आएंगे. थैंक यू.